नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। 73 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत देने में ईपीएफओ इस प्रस्ताव पर लगी मोहर। आइए इस वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से ईपीएफओ की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई। ईपीएस पेंशनर्स को 30 अक्टूबर से सभी के खातों में जो पेंशन है जो 7,500 रुपये से बढ़कर के 8,500 रुपये आएगी। सरकार के द्वारा इस फैसले पर लगी मोहर। इसको लेकर कमांडर अशोक जी रावत ने बहुत ही बड़ा फैसला लेकर लाखों पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी को लेकर कामना की है। कमांडर अशोक जी रावत ने कहा है कि मैं इस फैसले को लेकर बहुत ही खुश हूँ, जल्दी सभी पेंशनर्स के खातों में जो ईपीएस का पैसा है वो आने लगेगा। तो इस तरह पेंशनधारकों को आपकी पेंशन को लेकर ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। कल सीबीटी की मीटिंग में ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। अब पेंशनधारकों को पेंशनर्स को भटकने की जरूरत नहीं होगी, जल्दी पेंशन भोगियों के खातों में आने लगेगी जो पेंशन। कल सीबीटी की मीटिंग में ये मेडिकल सुविधा को लेकर भी फैसला लिया गया। अब आपको अच्छी मेडिकल सुविधा का भी लाभ मिलेगा। तो इस तरह पेंशनधारकों को आपकी पेंशन को लेकर ये बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है।